शहर के अंदरूनी क्षेत्र जयनारायण व्यास पार्क चांपोर के पास में आज दिन में नगर निगम उत्तर की तरफ से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। कुछ लोगों ने इसका विरोध भी जताया मगर बाद में उन्हें शांत करवा दिया गया। पुलिस का जाब्ता भी अतिक्रमण शाखा के साथ मौजूद रहा। क्षेत्रवासी निवासी सुनील दत्त व्यास का कहना है, नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर पेड़ों की कटाई कर डाली। कई पेड़ बरसों से लगे हुए थे, उन्हें हटा दिया गया। इसके अलावा उनके घर की दीवार को भी नुकसान पहुंचाया गया है। पेड़ों की कटाई एवं दीवार को गिराने को लेकर वे कलेक्टर से बात करेंगे। उन्होंने नगर निगम की इस कार्रवाई को लेकर अपना रोष जाहिर किया है। शहर के न्यू पावर हाउस रोड एसआईओ के कब्रिस्तान के निकट आए एक रेस्टोरेंट के सामने दो गुटों के युवकों में झगड़ा हुआ। इसमें एक युवक के सिर पर चोट लगने से वह लहूलुहान हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया मगर अब तक किसी नामजद के खिलाफ केस दर्ज नहीं कराया गया है। हालांकि सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। जानकारी के अनुसार सोमवार की रात 11:30 बजे के आसपास न्यू पावर हाउस रोड एसआईओ का कब्रिस्तान के पास में एक रेस्टोरेंट के सामने दो गुट के युवकों में झगड़ा हुआ था। इसमें एक युवक के सिर पर चोट लगने से वह लहूलुहान हो गया। युवक ने अपनी चोट को लेकर दोस्तों को कॉल कर बुलाया मगर हमलावर कौन लोग थे इस बारे में पता नहीं चल पाया। राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन द्वारा उच्च न्यायालय के हेरिटेज परिसर में पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। एसोसिएशन के अध्यक्ष रत्नाराम थोलिया ने बताया कि आज राजस्थान हाई कोर्ट एसोसिएशन और जोधपुर जिला ग्रामीण द्वारा जिला न्यायालय जोधपुर ग्रामीण के पास में गार्डन में पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस गर्मी में परिंदों की आवश्यकता इंसानों से ज्यादा मूक पशु पक्षियों के लिए है। उसी को देखते हुए आज परिंदा अभियान चलाया गया। इस अभियान को आगे भी जारी रखा जाएगा। अभियान कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रांत गुप्ता, विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो अनिल आर्य, सीजेएम करुणा शर्मा सहित अन्य पीठासीन अधिकारियों व अधिवक्ताओं द्वारा पक्षियों के दाना पानी हेतु परिंदे लगाए गए। उपाध्यक्ष नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लाइज यूनियन के मंडल मंत्री मनोज कुमार परिहार को जोनल महामंत्री मनोनीत किए जाने पर रेल कर्मचारियों ने प्रसन्नता जताई है। परिहार के यूनियन के जोनल मंत्री बनने पर विभिन्न शाखाओं के कर्मचारियों द्वारा उनका स्वागत और अभिनंदन किया गया। मंगलवार को जोधपुर मंडल की टिकट चेकिंग शाखा की ओर से टिकट चेकिंग स्टाफ ने जोनल अध्यक्ष बनने पर परिहार का जोरदार स्वागत किया तथा उन्हें फूल मालाओं से लादकर मिठाइयां बांटी। शाखा राजकीय कन्या महाविद्यालय सुरसागर में ग्रीष्म अवकाश में छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए कार्यक्रमों की कड़ी में आज ज्ञान सागर कार्यक्रम रखा गया। इसमें द्वितीय सेमेस्टर की छात्राओं ने हिस्सा लिया। ज्ञान सागर कार्यक्रम की संयोजक और समाज शास्त्र विषय की संकाय सदस्य डॉक्टर अलका बोहरा ने मानव जीवन और जिंदगी की फिलोसॉफी पर महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि संस्कारवान जीवन शैली से जिंदगी सही राह पर चलती है तथा हर एक को जिंदगी में सफलता के अवसर मिलते हैं। सही समय पर सही निर्णय से हम जीवन को सार्थक बना सकते हैं। उन्होंने छात्राओं को खुशहाली के मंत्र बताते हुए कॉलेज से करियर की यात्रा को सफल बनाने के टिप्स भी दिए। शहर के बागर चौक किला रोड पर वैदिक इंटरनेशनल स्कूल में आज मातृ दिवस व रेड डे बड़ी धूमधाम से आयोजित किया गया। इस अवसर मातृ दिवस की बधाई दिए जाने के साथ बच्चों की तरफ से रंगारंग प्रस्तुति दी गई और रेड डे भी मनाया गया। कार्यक्रम में श्री वैदिक कन्या पाठशाला समिति के अध्यक्ष महेश गहलोत, कोषाध्यक्ष प्रमोद पचवा, श्री वैदिक कन्या से सह विद्यालय के प्रधानाचार्य मधुबाला गौड़, परिहार व वैदिक इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल सुश्री मीनाक्षी सोनी एवं हिंदी व अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के समस्त स्टाफ व अभिभावक भी उपस्थित थे। इस अवसर पर माताओं के द्वारा रैंप वॉक व खेलकूद कार्यक्रम में बड़े उत्साह से भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन रेणु मेहरा द्वारा किया गया। सुरसागर स्थित गांव गेवा कनावतों का बास स्थित बाबा रामदेव मंदिर का तीसरा पाठोत्सव क्षेत्रवासियों के सहयोग से श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर में आकर्षक फूल मंडली से सजावट के साथ बाबा रामदेव की प्रतिमा का मनोरम श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर भक्ति संगीत कार्यक्रम में महिलाएं खुद को झूमने से नहीं रोक पाई। सुबह हवन के बाद दोपहर में संकीर्तन का आयोजन हुआ जिसमें भजन गायक पंकज जानगिर, प्रियंका बोराना, पम्मी सांखला, कैलाश सोलंकी, करिश्मा प्रीति, बबीता सांखला सहित महिलाओं ने देवी देवताओं के भजनों की मनमोहक प्रस्तुति दी।
पाटोत्सव में श्रद्धालु झूमते हुए भक्ति में सराबोर नजर आए। ढोल थाली व मंगल गीतों के साथ विधि विधान पूर्वक बाबा की ध्वजा चढ़ाई गई तथा आरती के पश्चात प्रसादी का आयोजन हुआ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।